तस्वीरों में जो भारी हुजूम आप देख रहे हैं वो किसी महात्मा का नहीं बल्कि एक गैंगस्टर का है, टिल्लू ताजपुरिया, वो गैंगस्टर जो दिल्ली की गैंगवार में मौत के घाट उतारा जा चुका है। ये जनाजा उसी का है, वो खूंखार गैंगस्टर जिसने जेल में बैठे बैठे ही गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या करवा दी थी, ये उसी का जनाजा है। उसके जनाजे में लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी कि पुलिस भी हैरान रह गई। दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके के ताजपुर गांव में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट और गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सैकड़ों की संख्या में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव के लोग, खासकर यंगस्टर्स, युवा वर्ग पहुंच रहा था। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच टिल्लू ताजपुरिया का अंतिम संस्कार गांव के ही शमशान घाट में किया गया। शुरुआत में गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि अंतिम संस्कार के लिए शव को गांव लाया जा रहा है तो कुछ ही देर में सैकड़ों लड़कों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अंतिम संस्कार के वक्त जब शव को लाया जा रहा था तो दिल्ली पुलिस ने तमाम चौकसी लगा रखी थी। चारों तरफ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। कई पैरामिलिट्री फोर्स स्पेशल स्टाफ के जवान सिविल ड्रेस में तैनात दिखाई दिए ताकि किसी तरह की अनहोनी ना घटे। दिल्ली पुलिस हर शख्स के ऊपर निगाहें गड़ा कर बैठी थी। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि राजधानी दिल्ली में पिछले कई सालों से अपनी दहशत से लोगों को डराने और खौफ फैलाने वाला कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का खेल आज उसकी हत्या के साथ ही खत्म हो गया। टिल्लू जो पिछले कई सालों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, उसकी जेल के अंदर ही हत्या करा दी गई। टिल्लू के शरीर पर 20 से 25 बार वार करके उसे लहूलुहान किया गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे फिर मृत घोषित कर दिया। टिल्लू ताजपुरिया अलीपुर थाना इलाके के ताजपुर गांव का ही रहने वाला था। गांव में जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। लेकिन जैसे ही गांव में ये बात फैली कि टिल्लू के शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव लाया जा रहा है, उसके बाद से ही लगातार लोग घरों से निकले और सैकड़ों की संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट पहुंच गए। फिलहाल इस दौरान परिवार के लोग गमगीन दिखाई दिए क्योंकि पिछले कई सालों से गैंगस्टर टिल्लू जेल में बंद था और उसने अपराध की दुनिया का वो रास्ता चुना कि मौत से पहले अपने परिवार के साथ खुशी के दो पल भी नहीं बिता सका।